वेलकम बैक। एक बार फिर से आज हम लेकर के एक नई मूवी का रिव्यू। मूवी का नाम है द गर्ल इन द बेसमेंट। 2021 में ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग जाकर इसे देख सकते हैं। ज्यादा बड़ी ये मूवी नहीं है। शुरुआत में ही आपको बता देता हूँ, बहुत ही ज्यादा ये मूवी डिस्टर्बिंग है। आप इसको देख करके बहुत ज्यादा असहज महसूस करने वाले हैं। कहानी की बात कर लेते हैं। कहानी कुछ यूं है कि एक सारा नाम की लड़की है जो इसका 18वां बर्थडे आने वाला है। वो अपने 18वें बर्थडे पे प्लान करती है कि वो पूरी दुनिया घूमेगी, अलग अलग शहरों में जाकर के जॉब करेगी, वहीं से अर्न करेगी और अपने बॉयफ्रेंड बनाएगी, अपनी जिंदगी खुशहाली से जिएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ये सब प्लान उसके पिता को पता चल जाते हैं। उसके पिता की एक और संतान होती है, यानी कि सारा की एक और बहन होती है। सारा का एक बॉयफ्रेंड भी होता है क्रिस्टोफर नाम का, और सारा उसके साथ काफी बार हैंग आउट करने के लिए बाहर चली जाती है, पार्टी वगैरह करती है। ये सब उसके पिता को नागवार गुजरता है। वो अपनी बेटी को ही 18वें बर्थडे से पहले अपने घर के बेसमेंट में बंद कर देता है। अब पूरी फिल्म यहीं से शुरू होती है, जो मैंने आपको बताया है। ये सब कहानी स्टार्टिंग में ही दिखा दी जाती है। शुरुआत के 10-15 मिनट में ही आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। असली कहानी स्टार्ट होती है जब वो सारा बेसमेंट में बंद कर दी जाती है उसी के पिता डॉन के द्वारा। उसके पिता के द्वारा उसको बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है, लॉक लगा दिए जाते हैं उनके दरवाजों पर और उसको अंदर ही रहने को मजबूर किया जाता है। बाद में सारा की माँ सारा के खो जाने की रिपोर्ट लिखवाना चाहती है, लेकिन बार बार सारा का पिता उसको रोक लेता है। वो ऐसा क्यों करता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी में डॉन अपनी बेटी को बेसमेंट में बंद कर चुका है। यहीं पर वो बार बार बेसमेंट में जाता है और अपनी ही बेटी का बार बार बलात्कार करता है। इतनी बार बलात्कार करता है कि उसको प्रेग्नेंट कर देता है। वहीं पर सारा अपने बच्चों को जन्म देती है। टोटल 4 बार वो प्रेग्नेंट होती है। 3 बच्चों को वो जन्म भी दे देती है उसी बेसमेंट में। अपनी जिंदगी अपने बच्चों को वहीं पालती है, अपने बच्चों को वो सारी दुनिया वहीं बेसमेंट में दिखाती है। बहुत ही ज्यादा क्रूअल सीन्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे। पिता के द्वारा अपनी ही बेटी का रेप, उसका सेक्सुअल मोलेस्टेशन, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये फिल्म 18+ भी है। अगर आप लोगों में इतना दिल गुदा है तो जाकर इसे देखिए, अदरवाइज ये हर किसी के लिए नहीं है, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं है। अगर आप लोग ड्रामा या फिक्शन या साइंस फिक्शन टाइप की मूवीज देखना पसंद करते हैं तो ये आप लोगों के लिए नहीं है। पूरी फिल्म के दौरान सारा उसी में रहती है। वो अपनी जिंदगी के 18 साल उसी बेसमेंट में गुजारती है। सारा वहां से कैसे निकलती है, उस बेसमेंट से कैसे अपनी जिंदगी वापस से जी पाती है, उसके लिए तो आपको ये मूवी जाकर के देखनी ही चाहिए। वो सब कुछ मैं यहाँ रिवील नहीं करना चाहता। कंफर्ट बिल्कुल फील नहीं कर पाया इस फिल्म को देखने के दौरान। काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग कंटेंट इस मूवी का है। अगर आप लोग देख सकते हैं ऐसी मूवीज तो जाकर के देखिए। मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर रेटिंग की बात की जाए तो डेफिनेटली 5 में से मैं इसे दूंगा 2 अंक, वो भी इसकी कहानी के लिए। और हाँ, दूसरी चीज, ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, ये असली घटनाओं से प्रेरित है। ये आपको मूवी की स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। ऐसा अमेरिका में हुआ है, उसी पर ये कहानी बेस्ड है। तो ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानी से बनी हुई मूवी आपको कैसी लगी वो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर नहीं देखी है तो जाकर के देखिए, एंजॉय करिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्यू में। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।